चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दोनों ही बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनावी संबोधन का एक वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। इस वीडियो में सिंधिया काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गुस्सा इमरती देवी पर पूर्व सीएम कमलनाथ की टिप्पणी को लेकर है। इससे पहले सिंधिया का यह रौद्र रूप नहीं देखा होगा। इसे लेकर कांग्रेस नेता का कहना है कि सिंधिया जी का गुस्सा इमरती देवी के लिए है नहीं, बल्कि पोस्टर होर्डिंग्स और मेटाडोर से भी नदारद होने को लेकर है। वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाप रे बाप, श्री अंत का इतना गुस्सा। इस गुस्से का इजहार इमरती को लेकर नहीं, पोस्टर होर्डिंग्स और मेटाडोर से भी नदारद होने को लेकर है। दरअसल डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया इमरती देवी के लिए जनसभा कर रहे थे। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ की अभद्र टिप्पणी को लेकर सिंधिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मंच पर ही इमरती देवी को गले लगाते हुए उनके अपमान का बदला लेने की बात कही। इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि ये डबरा का चुनाव इमरती देवी जी नहीं, मैं स्वयं लड़ रहा हूँ हमारी बेटी के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जानकारी सूत्रों एवं सूत्र शोर से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।